बिलासपुर जिले के रतनपुर में एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका है, जिसे देखते हुए पुलिस ने यहां चौकसी बढ़ा दी है। हिंदूवादी संगठनों ने मशाल जुलूस निकालकर दुष्कर्म पीड़िता की मां को न्याय देने की मांग की है। इधर भाजपा महिला मोर्चा ने भी धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पुलिस भी अलर्ट हो गई है। रतनपुर में हर गली से लोग मशाल रैली में शामिल हुए और फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर भजन कीर्तन किया। रतनपुर में रहने वाली विधवा महिला को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाकर विश्व हिंदू परिषद के साथ ही हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके साथ सर्व समाज के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि 3 दिन पहले कलेक्टर सौरभ कुमार की समझाइश के बाद आंदोलनकारी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीती शाम हाईस्कूल चौक से मशाल जुलूस निकालकर लोगों ने शहर में जगह जगह प्रदर्शन किया। फिर मशाल रैली महामाया चौक पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कहा कि एक सप्ताह बाद भी अब तक पुलिस की ओर से कोई संवेदनशील पहल नहीं किया गया है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा है। तो हम रतनपुर में अभी शांतिप्रिय ढंग से मशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं। ये प्रतिदिन अभी चलता रहेगा। अगर 2-3 दिन के अंदर हम लोग को अगर शासन प्रशासन पीड़िता को अगर तत्काल न्याय नहीं देती है तो ये आंदोलन उग्र रूप से और बढ़ता जाएगा, जिसकी समस्त पूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। कल भी इसी तरह हम लोग ये महामाया चौक से महामाया पारा होते हुए वार्ड क्रमांक 2 गांधीनगर होते हुए फिर से आएंगे और हनुमान चालीसा कर कल समाप्त करेंगे। इसी दिन मशाल रैली हो रहा है और भीड़ सभी नवयुवक अपने दीदी के पक्ष में प्रतिदिन मशाल यात्रा निकाल रहे हैं और मशाल यात्रा के माध्यम से मैं प्रशासन को संदेश देना चाहता हूं कि अपनी निर्णय जितनी जल्दी हो सके और बाइज्जत बरी करे हमारे अन्नपूर्णा दीदी को, और अगर बाइज्जत बरी नहीं होता है तो बहुत जल्दी उग्र आंदोलन की तैयारी है नगर और विकास खंड के माध्यम से। महिला की गिरफ्तारी के बाद से हिंदूवादी संगठन व सर्व समाज के लोगों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अब भाजपा महिला मोर्चा भी इस आंदोलन में कूद गया है, जिसे देखते हुए रतनपुर में तनाव बढ़ने की आशंका है। इसके मद्देनजर नगर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और चौक चौराहे पर बल तैनात किया गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसे न्यूज के लिए रतनपुर से रवि तंबोली के साथ कान्हा तिवारी की रिपोर्ट।